हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना के स्वीट ब्लॉग। सो गाइस, आज सोना के किचन में बनने जा रही बहुत ही आसान रेसिपी जिसका नाम है चिकन ब्लैक पेपर, चिकन काली मिर्च, इसे कुछ भी बोल सकते हैं आप। गाइस, उसके लिए देखिए मैंने 700 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है। गाइस, ये रहे चिकन के लेग और ये रहा गाइस ये विंग्स हैं, और ये मैंने थोड़े गोल पीसेस कटवा लिए थे। गाइस, ये रहे गोल पीसेस हड्डी वाले। आप चिकन काली मिर्च अगर बनाएं तो थोड़ा हड्डी वाला मीट और थोड़ा बोनलेस वाला शामिल करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए गाइस, बोनलेस के पीस ये रहे। गाइस, उसमें पड़ने वाला सामान ये रहा काली मिर्च है, और ये रहा मेरे एक दही, ये 10 वाली दही डलेगी खाली 700 ग्राम में। आप बढ़ा या घटा सकते हैं आपकी जितना क्वांटिटी है मीट की। गाइस, उसमें पड़ने के लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये स्वाद अनुसार नमक है, और ये रही ये है प्याज। ये मैंने 5 बड़ी प्याज ले ली है जिसको काट करके अच्छी तरह से मैंने फाइन काट लिया और धो लिया अच्छी तरह से, ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए और जो प्याज में जो आग तेज होती है ना वो नहीं लगेगी। इस तरह से आप धो करके लीजिएगा। चलिए बनाते हैं रेसिपी। गाइस, ये देखिए, ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल नहीं है गाइस, ये बटर है। यह बटर में बना सकते हैं आप या इसको देसी घी में बना सकते हैं, चिकन ब्लैक पेपर। गाइस, ये देखिए मैंने अपना बढ़िया गरम कर लिया है। इसमें घी है और इसमें थोड़ा सा मिक्स है गाइस, वो मक्खन। तो चलिए बनाते हैं गाइस हम अपने ब्लैक पेपर चिकन। गाइस, उसके लिए मैंने ये प्याज जो ले ली थी ना 5 बड़ी, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है गाइस, ये एक बार जरूर बना के देखिए। और बहुत ही कम सामान में बहुत ही बढ़िया और जायकेदार चिकन बनकर तैयार होगा गाइस। ये ड्राई चिकन है, इसमें तरी वगैरह नहीं लगेगी। आप इसे रोटी के साथ या सूखा ही खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको 5 बड़ी प्याज को अपने डाल लिया है घी और मक्खन के तेल में। ये देखिए, अब इसको हम तेज आंच में फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। सो देखिए, अब ये मेरा प्याज ने कलर चेंज करना चालू कर दिया है। इसको डार्क ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाती तभी इसका टेस्ट आएगा चिकन काली मिर्च का। सो गाइस, देखिए ये हमारी प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारे घी और बटर के ऑयल में। अब इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम अपना जो 700 ग्राम गाइस चिकन है इसको मिक्स कर देते हैं। गाइस, ये बहुत सिंपल रेसिपी है, एक बार मेरी तरह से बना करके ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से चला करके ले लेते हैं। गाइस, इसको तेज आंच में ही बनाना है। अब इसी स्टेज पर गाइस हम अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं। ये घर पर ही एकदम फ्रेश पिसा हुआ है, 2.5 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है गाइस। अब इसमें हम अपना स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरह की रेसिपी है, एक बार जरूर बना करके देखिए। ज्यादा इसमें सामान लगता नहीं है, 2-3 सामान लगता है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है ये चिकन काली मिर्च। ये देखिए गाइस, मेरे चिकन का कलर कितना प्यारा आया है गोल्डन। अभी इसी स्टेज पर हम अपना काली मिर्च डाल देते हैं गाइस, जो कि बहुत ही बढ़िया स्वाद देगा हमारे चिकन को। इसको हमें तेज आंच में ही भूनना है।
ये देखिए गाइस, ये देखिए इसमें घी सारा सेपरेट हो गया। अब इसमें जो मेरा दही है ना, इसको मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं और फिर मिक्स कर देते हैं। तेज आंच में अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। उसके बाद ये खाने के लिए गाइस रेडी है। सो गाइस देखिए, मेरा दही अच्छी तरह से भुन गया है और ये मेरा घी और बटर सेपरेट हो गया है, ये ऊपर आ गया है। अब ये खाने के लिए गाइस बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन काले मिर्च। ये देखिए गाइस, इतना प्यारा गला है ये। ये देखिए कितना अच्छे से गला है। सो गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सोना के स्वीट ब्लॉग। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए हम आपको कितनी अच्छी डिश बना के सिखाते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरह से बनती हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, चाहे मीट हो, चाहे वेज हो, या दाल हो, या साग हो, या सब्जियां हो, कितनी अच्छी तरह से हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें, सोना के स्वीट ब्लॉग। सो गाइस, ये एक बार डिश ज़रूर बना करके खाइएगा। विंटर की स्पेशल डिश है गाइस ये, देसी घी या बटर डाल करके इसमें यूज़ करिएगा गाइस। इसमें ऑयल का यूज़ नहीं होता, जिसे कहते हैं सरसों का तेल, उसे यूज़ नहीं करते हैं। इसमें खाली बटर या देसी घी का ही यूज़ करिए, जिससे फ्लेवर 10 गुना बढ़ जाता है इस डिश का, जो कि बहुत ही सिंपल डिश है। इसके ऊपर नींबू डाल करके आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। ये ड्राई डिश है, आप इसे रोटी, रुमाली रोटी या फिर चपाती, जो घर की होममेड होती है, उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। सो गाइज देखिए, मेरा काली मिर्च चिकन बनकर तैयार है। ये देखिए गाइज कितना गला हुआ है, ये देखिए तुरंत इतना गल गया है। और इसकी ग्रेवी देखिए ये। सो गाइज ये देखिए ना, हमारा बटर छूट गया है और काली मिर्च चिकन के साथ बिल्कुल रेडी हो गया पककर। ओनली 20 मिनट में ये रेडी हो गया है मेरी रेसिपी बनके। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सोना के स्वीट व्लॉग। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।